है सभी को। नमस्ते नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। मेरी आवाज स्पष्ट है? जी जी भैया, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। तनु ने अभ्यास 2 के स्टेप 3 पे यह असाइनमेंट कर लिया था। बैठने के लिए आरामदायक मुद्रा चुनें और कोशिश करें कि 10 मिनट तक शरीर की इस स्थिति को न बदलें। शरीर के साथ अपने आदान प्रदान का निरीक्षण करें। निरीक्षण करें कि निर्णय लेने वाला कौन है, स्वयं या शरीर। इन 10 मिनटों में आप कितना समय अपने आप में व्यस्त रहे और आपने शरीर के साथ आदान प्रदान करने में कितना समय बिताया। आप इसे 1 घंटे तक और अंत तक पूरे दिन तक देख सकते हैं। आप अपने आप में कितना व्यस्त हैं और कितना समय आप शरीर के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, इसको देख सकते हैं। आप अपने निरीक्षण से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इसको अपने को करना था कल असाइनमेंट के रूप में। जी भैया नमस्ते सभी को। भैया ट्रैवल में था, आवाज ठीक से आ रही है क्या? जी आ रही है। हाँ, नागपुर स्टेशन पे हम लोग है, 4-5 नागपुर का ग्रुप है हमारा, और अभी ट्रेन 6 घंटा लेट होगी। तो हमारा जो कल का जो डिस्कशन था वो मैंने थ्रू आउट 24 आवर्स देखा कि सेल्फ थकता है कि नहीं। तो अभी हमारे भी दो ग्रुप हो गए इधर, अभी तीन तीन लोग एक तरफ और एक लोग एक तरफ। ऐसा कि दो तीन लोगों का कहना है कि ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्शन सेल्फ थकता नहीं है, लेकिन हमारे विजय भैया जो है उनका कहना है कि सिंस सेल्फ इज कंटिन्यूअस, ये मतलब जो भी है ये हमेशा, मतलब ये रुक नहीं सकता सिंस इट इज कंटिन्यूअस। लेकिन बाकी लोगों का कहना है कि कॉन्ट्रेडिक्शन के कारण सेल्फ थक सकता है, सेल्फ रुकता नहीं है लेकिन थक सकता है। तो भैया थोड़ा सा कल जो आपने असाइनमेंट दी थी मैंने दिन भर देखा और मुझे भी ये लग रहा है कि सेल्फ थोड़ा सा मतलब थक सकता है लेकिन श्योर नहीं हूँ। प्लीज प्लीज थैंक यू, अगर आवाज ठीक आ रही है। बहुत बढ़िया भैया। एक तो बात यह है कि आप सब लोग इतनी गंभीरता से असाइनमेंट पे विचार करते हैं, असाइनमेंट करने का प्रयास करते हैं, प्रशंसनीय है। जी, दूसरी बात की दोनों ही बातें सही हैं। तो सेल्फ थक सकता है, जैसे सेल्फ में कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ जाए जी तो थक सकता है, और सेल्फ की क्रियाएं कभी रुकती नहीं है, ये भी बात ठीक है। तो थकने का मतलब ये नहीं क्रियाएं रुक जाएंगी। क्रिया निरंतर है तो क्रिया तो निरंतर चलेगी, परंतु उन क्रियाओं में लय सामंजस्य है कि नहीं, यह मुद्दा है। तो अगर लय नहीं है तो हम उस विचार से बाहर आना चाहते हैं, इसी को कहते हैं थकना, कि अब हम उस विचार से बाहर आना चाहते हैं। अगर लय नहीं है, सामंजस्य नहीं है, हम उस भाव से बाहर आना चाहते हैं, तो थकने का इतना ही मतलब है। इसको हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इससे बाहर आना चाहते हैं। और यदि हम वैसा करते हुए आराम पाते हैं तो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो क्रिया नहीं रुकेगी, परंतु क्रियाओं में लय होता है तो उसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्रियाएं में लय नहीं होता उसे बाहर निकलना चाहते हैं। इतनी बात है। जी मतलब ये तो बात पक्की होगी ना कि सिर्फ मतलब उसकी एक्टिविटी स्लो हो सकती है, सेल्फ की जैसे बॉडी की होती है वैसा। जी फिर से कहिए क्या हो सकती है। हाँ मतलब सेल्फ की एक्टिविटी स्लो हो सकती है ना टायर्ड होने से। वो तो होता ही है। जैसे सेल्फ का मतलब आप खुद ही देखिए, आप कभी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कभी कम एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी भैया। जैसे अभी ये जांचने परखने का काम सुबह किया जाए तो आप ज्यादा हाँ ठीक से हाँ कर पाते हैं। जी आप जी कॉलेज से आइए शाम को थके हारे और फिर इसको करने जाइए तो आपको नींद आने लगती है, और जी आप अपने आप में उतना ठीक से जांच परख कर भी नहीं पाते हैं। जी तो अभी तो ऐसा तो होता है, कभी हम ज्यादा एक्टिव होते हैं, कभी कम एक्टिव होते हैं। शरीर का भी हम पे प्रभाव पड़ता रहता है। तो सुबह शरीर जी भी थकान मिट चुकी है तो मैं अपने ऊपर ठीक से काम कर पाता हूँ। शरीर की अगर थकान बनी हुई है तो फिर शरीर पर ध्यान जी देना होता है। जी वैसे अगर अंतर विरोध है तो एक तरह की स्थिति बनती है, लय है सामंजस्य है तो दूसरे तरह की स्थिति जी बनती है। जी जी मतलब जो हमारा प्रयास है वो लय में रहने के लिए है, मतलब सेल्फ का जो प्रयास रहता है ऑल द टाइम टू बी इन हार्मनी है तो वो एक्टिव है ऑल द टाइम, मतलब उसमें थकान होती नहीं है। लेकिन हम सारी कॉन्ट्राडिक्शन से, गलत गलत चीजों से या फिर प्री कंडीशनिंग मान्यता से अगर चलने लगते हैं तो कभी ना कभी वो थकता है। जी भैया इतना मान ले आज, बाद में अपन वहां डिस्कस नहीं करेंगे नहीं कल। नहीं अभी वो बात स्पष्ट नहीं हुई। मैंने जी कहा कि सेल्फ क्रिया निरंतर है और सेल्फ मतलब आप, तो इसको अभी ओपन रखिए। इसको ऐसा मानने की जरूरत नहीं है या कोई निष्कर्ष निकाल ले, है ना, उसको स्वीकार करके चलने लगे, ऐसी जरूरत नहीं है। आप स्वयं में जी देखिए, स्वयं जी जी में देखिए कि आपकी क्रिया निरंतर है या सामयिक है।
स्वयं में देखिए कि आपकी क्रियाशीलता एक ही प्रकार से बनी रहती है या बढ़ती घटती है। तो जी जी जब डिप्रेशन में चले गए, जब थक गए, है ना, अंदर विरोध बढ़ गया, तो हमारी क्रियाशीलता एक प्रकार की होती है। परंतु जी यदि, है ना, हमें समाधान हमारे अंदर दिखाई देता है, हमें अपनी भागीदारी स्पष्ट होती है, हमारी क्रियाशीलता अलग तरह से दिखाई देती है। स्वयं में क्रियाशीलता में अंतर होता है तो हम शरीर का भी प्रयोग उसी ढंग से करते हैं। तो जी जैसे अभी हमको लगता है कि हाँ, समाज व्यवस्थित हो सकता है, परिवार व्यवस्थित हो सकता है, तो उत्साह के साथ लगे रहते हैं, जी नहीं तो निरुत्साह में चले जाते हैं। अरे कुछ नहीं हो सकता, पूरी दुनिया बेकार है, ये परिवार वाले बेकार हैं, ये सब कोई फायदा नहीं है, सब कुछ करने का, आदमी कभी नहीं बदलता है, ऐसे सोच में चले जाते हैं। तो ये जी थकान है, प्रयास किया, फल परिणाम नहीं आया तो निराश हो गए, है ना, जी निरुत्साह में चले गए, ये थकान है। उत्साह बना जी हुआ है, स्फूर्ति बनी हुई है, सुख बना हुआ है, ये दूसरी तरह की स्थिति है। तो ऊर्जा जो है मैं में, वो निरंतर बनी रहती है, परंतु सापेक्ष घटना बढ़ना होता रहता है। जी वैसे शरीर की ऊर्जा भी घटती बढ़ती है, बट ऊर्जित हर इकाई बनी रहती है, जी किसी भी इकाई की ऊर्जा समाप्त कभी नहीं होती, बढ़ती घटती है। जी शून्य को देखें तो शून्य में ऊर्जा एक समान बनी रहती है, इसको साम्य ऊर्जा कहा। जी तो ठीक है, हमारे विजय भैया कुछ, हाँ विजय भैया, हाँ नहीं जी उनको हम वही आप जो बता रहे हैं ना, हम देखते हैं भैया, कल बात करते हैं। जी, नमस्ते जी नमस्ते जी सभी को, धन्यवाद। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ हेलो, नमस्ते सर। जी सर, ये थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए थी कि ये सेल्फ थकता है, ब्रेन थकता है सर? देखिए, अपने आप में अंतर्विरोध जी जी कहाँ सेल्फ होता है, आप में या ब्रेन में? में होता है सर, अपने में होता है अपने में होता है ना, आप उसे फिर बाहर जी जी निकलना चाहते हैं। जी बिल्कुल अब इसको एक नाम देने की बात है, इसको थकान कहें या क्या कहें, उत्साह चला गया, है ना, जैसे आपने परिवार के सब लोगों को समझाने का प्रयास किया, कोई नहीं समझा, जी बल्कि सब किनारा जी करने लगे आपसे। तो अब जी अपने अंदर एक भाव विचार बन गया कि ये लोग कभी ना सुधरेंगे, है ना। अब जी इसको क्या कहेंगे, इसको नाम देना हो, एक नाम दे दीजिए, थकान कहना हो थकान कह लीजिए, है ना, अनुत्साह निरुत्साह कहना हो निरुत्साह कह लीजिए, इतनी बात है। ये फिजिको केमिकल घटना नहीं है, थकना मैं में जो हो रहा है, उत्साह चले जाना, स्फूर्ति चले जाना, दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, आवेशित हो जाना, इस प्रकार की घटना है। जी जैसे ये समझते हैं ना, जैसे ये अक्षय है तो इसका तो कुछ वो होता नहीं है, ये तो रहता ही कंटिन्यूअस है, जैसे उस रेस्पेक्ट में। जी देखिए, अच्छा का मतलब यही है कि मैं जैसा वैसा बना भी रहता है, उसमें ऊर्जा बनी भी रहती है। अन्यथा आप देखें तो हर इकाई में ऊर्जा तो बनी ही रहती है, हर इकाई शून्य के अस्तित्व में हर क्षण ऊर्जित है, किसी भी इकाई जी की ऊर्जा सर समाप्त नहीं होती, है जी, ना, तो समाप्त नहीं होती, कम ज्यादा होती है, जी सर जी, जी इसीलिए उसको सापेक्ष ऊर्जा कहा। तो सर इसको नाम ठीक देने की है बात है ना, हम कहते हैं भाई जी मैं में श्रम बना हुआ है, ठीक है, श्रम कारण थकावट हो रही है, और विश्राम की स्थिति में आ गए ज्ञान के साथ, सही समझ सही भाव के साथ, तो फिर विश्राम की स्थिति में रहते हैं, फिर थकते नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक जी बढ़िया यू सर, भैया, नमस्कार, थैंक यू। नमस्ते। तो इसको ऐसा करते हैं, अभी 5 मिनट इस स्टेप को ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। इसको ऑब्जर्व करें, अभी हम लोग आरामदायक मुद्रा में बैठ सकते हैं, कुछ समय तक, 5 मिनट तक शरीर की स्थिति को बनाए रख सकते हैं, और उसके बाद ना ये भी देख सकते हैं क्या आदान प्रदान हो रहा है, ये भी देख सकते हैं इसका निर्णय कौन ले रहा है। इसको हम ऑब्जर्व करें 5 मिनट, फिर इसको चर्चा करेंगे। अभी 5 मिनट ही कर देते हैं दीदी, फिर कुछ और चर्चा करेंगे। जी बढ़िया, तो अभी तक हमने जितना अभ्यास किया, अभ्यास 2 में, उसको लेकर यदि कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं।
अभ्यास दो में हम स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं और मूलतः देखें तो चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, और उसके मूल में जाए तो हम जड़ संसार को समझने का काम कर रहे हैं। तो अभ्यास एक में हमने चैतन्य को समझा, अभ्यास दो में हम जड़ को समझ रहे हैं, और चैतन्य और जड़ समझ में आ जाए तो पूरी प्रकृति समझ में आती है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अपने आप में हम चिंतन, बोध, अनुभव, इन क्रियाओं को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें प्रस्ताव मिला, ध्यान गया, अब उसको हम विधिवत स्टेप बाय स्टेप अपने आप में ऑब्जर्व करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने स्टेप वन में मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया। स्टेप टू में हमने मैं और शरीर यानी मुझ में और शरीर में जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया। तो एक तक मैं शरीर को संकेत देता हूँ और शरीर में हो रही संवेदना को मैं पढ़ता हूँ, और ये दोनों ही आदान प्रदान मैं आवश्यकता अनुसार समय अनुसार करता हूँ। फिर स्टेप थ्री में हमने देखा कि इसका निर्णय कौन लेता है। तो हमने देखा कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसका निर्णय मैं लेता हूँ। मैं निर्णय पूर्वक शरीर को संकेत देता हूँ, शरीर में हो रही संवेदना को मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार समय अनुसार। इसको ही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। उमेश चंद्रा जी, जी हाँ नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है क्या भैया? हाँ, जी आ रही है। तो ये अभ्यास दो में जो भी आपने स्टेप करवाए तो वो स्टेप करने के बाद और इस तरह से स्टेप थ्री में जो स्थिति में रहता हूँ, ठीक है, तो एक बात समझ में आई थी है कि जब भी मैं अपने शरीर और अपने स्व के साथ जब रहता हूँ, उस पे ध्यान देता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि मेरे मेरे स्व में से शरीर को हर वक्त सूचना, संकेत या संवेदना आती है, ठीक है, तो मैं उसको देख पा रहा हूँ। और जब भी मैं किसी संवेदना से प्रेरित हो चुका हूँ और कोई परिस्थिति मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं उसी वक्त एकदम एक ही मुद्रा में रहता हूँ। लेकिन मतलब जब भी अपनी कल्पना सीता में मैं खो जाता हूँ, तो पूरे समय अपने कल्पना सीता में रहता हूँ, तो मैं बिल्कुल स्थिर रहता हूँ। लेकिन जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो जिस वक्त मैं कल्पना सीता में रहता हूँ और संवेदना से प्रेरित होता हूँ, तो उस वक्त मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर रहता है। और ये जो स्थिति है वो इसलिए बनाए रहती है कि जो चीज से मैं संवेदना से प्रेरित हुआ हूँ और जो चीज बाहर से है वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो मैं बदलने की कोशिश में स्थिर हो जाता हूँ। मतलब मेरा मैं ये आदान प्रदान मेरा स्व और शरीर के साथ देख रहा हूँ कि अगर मैं अपने स्व को सूचना देता हूँ तो वो चीज भी वो स्व समझ सकता है। और जब भी संवेदना से प्रेरित होता हूँ तो बाहर की परिस्थिति को जब बदलने की कोशिश करता हूँ तो मैं पूरा एक ही जैसे स्टैच्यू बन जाता हूँ। मतलब मेरा शरीर जो है उस वक्त वो संवेदना में उस परिस्थिति के बारे में गंभीर से सोच रहा है, और उसके मतलब वो स्थिति जो है वो संवेदना से जब प्रेरित होती है तो नेचुरली मतलब मैंने देखा तो वो संवेदना के पीछे कहीं ना कहीं मान्यता छुपी हुई है। इसकी वजह से मैं जो हूँ वो हार्मनी मतलब डिस हार्मनी में चला जाता हूँ। और जब वो सारा अपने आप मैंने डिस्कशन किया अपने आप से तो मुझे चला पता चला कि अगर वो मान्यता को मैंने सहज स्वीकृति में कन्वर्ट किया तो जो परिस्थिति हो रही है उसको मैंने पूरे सह अस्तित्व संबंध और व्यवस्था के रूप में देखने की कोशिश की, तो वो मान्यता बदल कर वो नेचुरल एक्सेप्टेंस हो गई और मैं लय में आ जाता हूँ। तो मेरा ये एक ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज वन टू वो कंबाइन करके हुए ये तीन स्टेप में हो रहा है। तो क्या ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी बराबर है या और कुछ इसमें जरूरी है? बढ़िया भैया, मगर मैं कहूँगा कि अभी आप इन दोनों को मिक्स ना करें। जैसे हम स्टेप 5 और 6 में जाएंगे तो मतलब अभ्यास 1 से भी कनेक्ट होगा वो। ठीक, अभी तो संवेदना को ठीक से देखें, क्योंकि अभी क्या हो सकता है कि संवेदना को हमने देखना शुरू किया, तुरंत हमने
फिर उसमें मान्यता को पहचानना शुरू किया, फिर हम एक्सरसाइज वन में चले गए और संवेदना अभी भी हमें प्रभावित कर रही है बट हमको बहुत स्पष्ट नहीं है। तो इसको पहले हम ठीक से कर लें स्टेप्स 1 to 4, कि स्टेप 5 में जब जाएंगे तो फिर अपने संस्कारों को देखने का जब अभ्यास करेंगे तो एक्सरसाइज 1 से कनेक्ट होगा ही। वहां भी स्टेप 5 में जिस तरह से हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि जो मैं निर्णय लेता हूँ उसके आधार में समझ है या मान्यता, तो उस क्रम में हम अपने बहुत सारे संस्कारों को देख पा रहे थे, उसको यहाँ भी देखेंगे। तो अभी इसको मिक्सअप ना करें, मूलतः तो आप ही देखने वाले हैं और ये दोनों वास्तविकताएं आपके साथ हैं ही, आप भी हैं शरीर भी है, परंतु अभी देखने क्रम में इसको थोड़ा बारीकी से देखें। अभी जो स्टेप 4 पे बात करेंगे ना वो काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको दिखेगा कि मैं ना मान्यताओं का मूल्यांकन करने में लगा हूँ, अपने संस्कारों को देखने में लगा हूँ, परंतु ये जो बीच बीच में संवेदनाएं आती रहती है शरीर से उसको मैं बिल्कुल ही अनअवेयर रहते हुए उससे प्रभावित हो जाता हूँ। तो अभी इसको विधिवत स्टेप बाय स्टेप करें, अभ्यास 2 स्टेप जो हमने अभ्यास 1 में किए हैं बहुत बढ़िया है, परंतु अभी इसको मिक्सअप अभी ना करें, स्टेप 5 में इसको देखेंगे। हाँ ठीक है भैया, कोई कोई बात नहीं, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चर्चा चल रहा है, बहुत दूसरों के एक्सप्लोरेशन से भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप अभी हाल में किसी वर्कशॉप में शामिल हुए? मैं अपनी कॉलेज की व्यस्तता के कारण किसी वर्कशॉप में भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हाँ, लेकिन मैंने ऑब्जर्वर की बदौलत उमेश भैया के साथ एक वर्कशॉप गुजरात में किया था जिसमें ऑब्जर्वर की तरफ से काम किया था, और मेरा UHV 1 UHV 2 बाकी है, मैं करना चाहता हूँ लेकिन बहुत सारी अलग अलग प्रायोरिटी के हिसाब से मैं उसको न्याय नहीं दे पा रहा हूँ, तो UHV 2 मेरा अभी बाकी है भैया। जी कर लीजिए, फेस टू फेस मोड में आके कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पक्का, आप काफी शुक्रिया। मेहनत कर रहे हैं। हाँ काफी अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं, मैं मेरा प्रयत्न चालू है भैया पूरी तरह से। बढ़िया भैया, नमस्ते। भैया नमस्ते, जी आवाज ठीक आ रही है भैया? आ रही है, जी सभी को नमस्ते। भैया मेरी, मैं कुछ मतलब कुछ दिनों से अपना कुछ चीज पे ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो कुछ ऑब्जर्वेशन है और उससे कुछ जुड़े हुए प्रश्न भी हैं, तो मैं दोनों चीजें एक साथ रख देता हूँ, तो जिससे कि एक साथ जुड़ेंगे तो वो कुछ सही चीज पता लग पाएगी। जी आपकी आवाज रुक गई। तो हेलो जी हेलो, हाँ हाँ आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा भैया, तो अभी जब से ये अभ्यास 2 शुरू हुआ है, उससे पहले अभ्यास 1 जब चल रहा था तभी एक बार ऐसा हुआ जैसे मतलब अपने आप से मैंने निर्णय लेके ये कहा कि मैं चलो थोड़ी देर बैठता हूँ और ये देखता हूँ कि मैं की जगह शरीर को कैसे चलाते हैं। तो उसके लिए जैसे एक बार ऐसे बैठा और जो है बैठ के आंख बंद करके बैठा, तो उस स्थिति में लगभग 20-25 मिनट बैठना हुआ, और उस स्थिति में बैठे बैठे में धीरे धीरे जो कर्मेंद्रियों की जो क्रियाएं हैं वो ऐसा लगा कि धीरे धीरे शिथिल होके एक जगह पे स्थिर हुई, सांस की क्रिया पे लगा कि चल रही है, फिर उसने में ध्यान इस चीज पे गया कि सांस जब चल रही है तो नाक कैसे सिकुड़ रही है और फैल रही है, और सांस पे जब ध्यान गया तो ये भी हुआ कि अभी सांस कैसे चल रही है, उसको ज्यादा कर सकते हैं, मतलब गहरा कर सकते हैं, या फिर हम और सांस को लंबा खींच सकते हैं, ये भी अपने मतलब अपने निर्णय के आधार पे ही वो चीज हुई, ये भी दिख रहा। और उसके साथ में ऐसा हुआ कि शरीर की स्थिति इतनी स्थिर रही कि अगर उंगली का जो टिप पॉइंट है अगर उसको भी हिलाना हो तो पहले सोच के हाँ कि हाँ मुझे ये हिलाना है, ऐसा करके हुआ, वो 20-25 मिनट तक हुआ भैया। तो बहुत सुंदर, उस स्थिति के बाद में अभी जैसे ये अभ्यास 2 जब शुरू हुआ है, तो अभ्यास 2 में और उस समय पे एक चीज मत का ऑब्जर्वेशन ये रहा कि सांस को तो ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन हृदय गति को जब मैंने देखा तो हृदय गति जैसी चल रही थी वो तो वैसी ही चली, उसको हम अपने निर्णय पूर्वक बढ़ा सके या कम कर सके वो तो नहीं हुआ।
या फिर जैसे हमारा शरीर के अंदर जो और क्रियाएं हैं, जैसे कि पाचन क्रिया के साथ की जो वो है कि अगर हम चाहें कि जो खाना है वो जल्दी पच जाए, ऐसा निर्णय हम लें और शरीर को ऐसा आदेश भी दे कि नहीं खाना जल्दी पचाना है, तो वो नहीं होगा, वो जो क्रिया है वो वैसे ही चलेगी। या फिर हम उसमें कहें कि नहीं जो मैं जो भी चीज़ खाऊं वो पच ही जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा निर्णय भी मैं ले लूं तब भी नहीं होगा, ये भी चीज़ दिख रही थी भैया। दूसरी चीज़ अभी जैसे एक दो दिन पहले की ऐसी घटना है कि जैसे ये शुरू के सेशन में ही, सुबह सुबह वाले सेशन में जब बैठते हैं तो बैठे बैठे आंख बंद करके मैं सुन रहा था, और सुनते सुनते एक स्थिति में कुछ समय के लिए झपकी लगी, तो झपकी लगने के बाद जब खुली तो उसमें ये चीज हुआ कि जब आंख बंद करके सुन रहे थे तो कान पे आवाज पड़ रही है, आवाज पड़ रही है वो हमारे अंदर तक जा रही है, लेकिन धीरे से ऐसा हुआ कि आवाज तो वही चल रही है, पड़ भी रही है, लेकिन वो पहुंचनी बंद हो गई झपकी के समय पे, और पहुंचनी बंद हो गई, फिर जब वो खुली तो फिर से आनी शुरू हो गई। तो ये जो पहुंचनी बंद हुई, ये जो नींद की अवस्था है, नींद की अवस्था में कुछ क्रियाएं हम तक पहुंचनी कम हो जाती हैं, लेकिन वो पूरी तरह बंद होती हैं ये वो भी नहीं समझ में आया, क्योंकि हमारा जैसे अगर हम नींद में हैं और उस समय लेटे हुए हैं, कुछ और चीज आती है तो हाथ अपने आप स्वतः क्रिया करके, मच्छर भी बैठा या कुछ बैठा या खा खुजली सी हो रही है तो वो अपने आप कर भी देता है। तो ये संपर्क एक तरह का टूटा भी, लेकिन पूरी तरह से संपर्क टूटा भी नहीं, ऐसा कुछ बना, तो वो क्या स्थिति होती है वो ठीक से क्लियर नहीं हुई भैया, ये पूछना था। क्या प्रश्न ठीक से पहुंचा मेरा? आखिरी भाग स्पष्ट नहीं हुआ, संपर्क टूटा या नहीं टूटा, ये आप क्या कहना चाह रहे थे? जैसे नींद की अवस्था में हम जब हैं तो मैं का शरीर के साथ में जो एक संपर्क बना रहता है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे मान लीजिए हम कुछ चीज पढ़ते पढ़ते मोबाइल देखते देखते अगर हमें झपकी लग जाए तो हमारा हाथ उंगली जिस फोर्स के साथ में उस चीज को पकड़ी है वो फोर्स थोड़ा ढीला पड़ जाता है और वो हाथ अपने आप से वो चीज छूट जाती है हाथ से, फिर हम उसको रखते हैं। तो एक तरह का जो कंट्रोल हम जिसे कहेंगे शरीर के ऊपर कि हाँ हमने एक निर्णय पूर्वक इसको इस अवस्था में रखना है, वो थोड़ा सा कम होता है, उसकी क्रिया में शिथिलता आती है, लेकिन संपर्क शरीर से मैं का पूरी तरह टूट जाए नींद की अवस्था में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा हाथ और वो शरीर की क्रियाओं के साथ में चलता भी रहता है, तो वो देखिए, ये हदीस ऐसा की किताब पर छूट जाना भी संपर्क का टूटना नहीं है, सिर्फ पूरे या कम का मतलब ही नहीं है। तो मेरा अच्छा। शरीर में संपर्क तो बना ही रहता है, यथावत रहता है। अब ये क्या हुआ कि जैसे थकान है तो शरीर की क्रिया शिथिल होने लगी, तो अब मैं जो अच्छा संकेत दूंगा शरीर को, शरीर उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। मेधस भी थक गया है, शरीर भी थक गया है, उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। वैसे जब मैंने सोने का निर्णय लिया तो जो मेधस है उसमें एक सुसुप्ति की अवस्था बन गई, नींद की अवस्था बन गई। अब उसमें मैं कोई संकेत दूंगा भी तो वो नहीं काम करेगा, क्योंकि शरीर की वैसी स्थिति बन गई। तो ये शरीर में बहुत इंसानी परिवर्तन हो रहे हैं। जब शरीर थका हुआ है, हम कहें दौड़ो तो नहीं दौड़ पाएगा, फ्रेश है, खाना खाया है, ऊर्जा है, कहेंगे दौड़ो तो दौड़ जाएगा। तो शरीर की अवस्था की बात है, शरीर की है ना, ऊर्जा की बात है। तो जब नींद लेते हैं तो फिर हम शरीर को एक निर्णय दे देते हैं, ठीक है भाई, उसको सोने दिया जाए। तो उस समय हमारा ब्रेन जो है वो शिथिल हो जाता है, शरीर के बाकी अंग भी शिथिल हो जाते हैं। तो ऐसा है, संपर्क के टूटने और उठने का तो मुद्दा ही नहीं है, संपर्क तो बराबर बना रहता है। अच्छा, परंतु भैया जैसे जब हम नींद में हैं और नींद में हमारे हम लेटे हुए हैं और शरीर पे कोई चीज आके बैठी, मच्छर आके बैठा और वो कुछ परेशान कर रहा है, तो हमें बिना जागे भी हमारा हाथ उस जगह पे चल जाता है और वो चीज हो जाती है। वही तो, उसमें निर्भर करता है, अगर आप जगे हुए हैं और मच्छर आसपास है तो भी आप हाथ से झड़क देते हैं, और नींद में बैठे बैठे पता चला कई मच्छर काट के चले गए, ठीक है ना, और सुबह उठे देखे दाने पड़े हुए हैं ढेर सारे शरीर पे, ये भी होता है। अब कोई मच्छर है तीव्र डंक का, पूरी बरसाती मच्छर है, इतना जोर से काटा कि आपकी नींद खुल गई, ये भी हो सकता है, या नींद नहीं खुली बट आपने हाथ से आहट की और चला गया, ये भी हो सकता है। ये सारी संभावना, इन सब में देखें तो शरीर क्रियाशीलता कम ज्यादा हो रही है। अब चूंकि शरीर से मुझे संवेदना पूरी नहीं मिल रही, क्योंकि तो शरीर शिथिल हो गया, तो मैं क्या निर्णय लूंगा? और निर्णय लूंगा भी तो उसको मैं शरीर से क्रियान्वित नहीं कर पाऊंगा। तो उस समय पे वही जैसे मैं
मतलब संपर्क हो सकता है वो शब्द ठीक ना हो, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो शरीर के साथ में और मैं की जो हमारी जो वो चलती है आदान प्रदान जो चलता है, प्रदान है, आदान प्रदान, आदान हाँ प्रदान आदान प्रदान, शिथिल हो जाता है आदान प्रदान शिथिल हो जाता है। जी। अच्छा, एक प्रश्न और था भैया। जी जैसे अभी आपने कहा था कि मैं की भी क्रियाएं शिथिल होती हैं और जो है क्रियाएं मतलब तीव्र भी होती हैं, मतलब कि मैं जो है कभी ऊर्जित ज्यादा ऊर्जित होता है कभी कम ऊर्जित होता है, ऐसा आपने कहा था ना? जी तो एक प्रश्न ये बन रहा था ये कि जैसे जो मैं को जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? देखिए, हर इकाई शून्य के साथ ही तो मैं स्वऊर्जित है, और एक स्व ऊर्जित अकेली है। ऊर्जा है, तो इसमें कोई ऊर्जा मात्रात्मक तो है नहीं, है नहीं, कहीं से आएगा तभी कहीं जाएगा, ये तो मैं स्वयं में अपनी क्रियाओं में ऊर्जित रहता हूँ। शरीर के साथ अगर आप देखें तो उसमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में बाहर की वस्तुएं हैं, हवा है, पानी है, खाना है, ये सब चीजें हैं। नहीं तो अगर नहीं मिलेगा तो प्राण कोशिकाएं सूख जाएंगी, जैसे हम भोजन ना दे शरीर को 3 महीने 4 महीने शरीर सूख जाएगा, है ना, फिर धीरे धीरे एक एक अंग काम करना बंद कर देगा। बट मैं को ऊर्जित होने के लिए बाहर से ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो इसमें वो आदान प्रदान नहीं हो रहा है। इतना जरूर है कि बाहर से कोई जब सूचना आती है उसके मूल्यांकन से मैं ऊर्जित, मतलब मेरी ऊर्जा घट बढ़ सकती है, इतना तो हो सकता है। तो भैया अगर ऊर्जा घटेगी बढ़ेगी यानी कि ऊर्जा का एक स्तर है, तो स्तर है तो इसका मतलब उसमें कोई मात्रा भी होगी। नहीं, ये चैतन्य ऊर्जा है, मतलब आप में अगर आप देखें, आप सेल्फ मतलब क्या, हाँ, आपकी चैतन्य इकाई के लिए मतलब आप जो इस पे अपने आप में देखें तो आप में कभी उत्साह बढ़ जाता है, कभी उत्साह कम हो जाता है। आपने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, बहुत मेहनत किया, नहीं सफल हुए, ठीक, अब तय हमसे ना हो पाएगा, अगली बार दिया, प्रीलिम्स निकल गया, अरे कर लूंगा, पिछली बार मेहनत कम पड़ गया था। ये ऊर्जा घटना बढ़ना हो रहा है कि नहीं, उत्साह घटना बढ़ना हो रहा है कि नहीं? या भैया वो जो अवस्था है हम उसको केवल एक ऊर्जा से इंगित कर रहे हैं, ऊर्जा शब्द से, ऐसा ऊर्जा है? भी एक वास्तविकता है, ऊर्जा के साथ अवस्था बनी हुई है। तो वही इसमें भैया अभी प्रश्न मतलब पूरी तरह से समाधानित देखिए नहीं ऐसा हुआ कि होगा ना, जैसे कि देखिए अभी क्या अगर होगा, बहुत सारे हम शब्द लाएंगे ना तो उसे ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, फिर वो विचार में हम कुछ निष्कर्ष निकालते रहेंगे। अभी अपने आप में देखें, जैसे आप में उत्साह घटता बढ़ता है कि नहीं, क्या लगता है, हाँ या घटता ना? बढ़ता है, लेकिन भैया मुझे मतलब चैतन्य इकाई के लिए मतलब अपने उस पे मैं अभी तो नहीं आते ऐसा चैतन्य इकाई, देखिए अब ये सब शब्दों में चले जाएंगे फिर, क्योंकि तो आपने पूछा तो हमने बताया है ना, तो अभी आप अपने आप में देखिए ऊर्जा, मतलब आप में उत्साह घटता बढ़ता है कि नहीं, ठीक, क्या होता है, हाँ उत्साह घटता बढ़ता है तो बढ़ता क्या होता है, उत्साह घटता है तो क्या होता है, इसको आप जो भी नाम देना हो दे लीजिए। हाँ वही तो मैं मतलब मैं अपना उस पे तो ऐसा देख पाता हूँ कि उसकी ऊर्जा तो जैसी है वैसी ही बनी रहती है, मतलब उसमें कोई वो नहीं होता है, घटना किसकी बढ़ना नहीं होता है किसकी उसकी ऊर्जा, चैतन्य इकाई की, किसकी? हाँ, मैं में तो अभी आप में उत्साह बढ़ गया, उसको क्या कहेंगे? तो ये तो भैया जैसे मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ कि जैसे आवेशित हो गए। अभी वहां नहीं जाए, आप में उत्साह बढ़ गया, इसको क्या कहेंगे? हाँ वही जैसे कि मान लीजिए कोई चीज हमारे अनुकूल हो गई, जो जो पहले एक इच्छा थी वो इच्छा के अनुकूल हो गई, इच्छा के हाँ अनुकूल हो गई तो उससे एक प्रकार का आवेश आया, इच्छा के प्रतिकूल हुई तो उससे दूसरी प्रकार का आवेश आया, जिसको उत्साह और उत्साहता अभी इसको क्या कह रहे हैं, कहेंगे? अवस्था कहेंगे। मैं तो ऐसा सोच रहा था। नहीं तो उत्साह बढ़ गया ना, अवस्था बढ़ गई कहिए, तो या कोई दूसरा नाम दे दीजिए, अवस्था बढ़ना अवस्था तो है कि बदल नहीं है? बदलना हो सकता है कि हाँ अवस्था बदल गई, पहले कुछ थी अभी दूसरी अवस्था में आ गए, उत्साहित नहीं अवस्था तो में आ गए, पहली और फिर पहले दूसरी निराश अवस्था को अवस्था तुलना में। करेंगे, हाँ पहली और दूसरी अवस्था को तुलना करेंगे तो क्या कहेंगे? मतलब उसकी स्थिति में कुछ बदलाव आया है, क्योंकि आप इसको और ऐसा सोच कुछ। लीजिए, है ना, रुके, इसमें कुछ निकलेगा नहीं, इसको और हाँ, सोच वही लीजिए, ठीक है ना, जी कि अवस्था कह दें, स्थिति कह दें, आवेश कह दें, अब ऊर्जा भी कह दें, क्या बुराई है? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो वो शब्द से एक इंगित कर रहा है खाली, उस एक स्थिति जो है उसको। अल्टीमेटली शब्द का रोल ही होता है इंगित करना,
क्या होता है, अभी हम बहुत सारे शब्दों में उलझे रहते हैं, उसके बजाय अपने आप में देखें और उसको स्वीकारना शुरू करें कि हाँ अभी ये मेरी स्थिति है, ठीक है, अभी मुझे इसमें और ऑब्जर्व करना है। क्योंकि जी, अभी हम ऊर्जा को नहीं स्वीकारेंगे, इसलिए हम चार शब्द लाएंगे, अवस्था कहेंगे, आवेश कहेंगे, स्थिति कहेंगे, कुछ और भी कहेंगे। क्योंकि हमने कुछ मान लीजिए सुना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, उससे कहीं हो सकता है बात मैच नहीं कर रही हो, या हमने जो इंटरप्रिटेशन दिया है उससे बात मैच नहीं कर रही हो, तो मुद्दा ही नहीं है। फिर वो क्या होता है, जांचना रुक जाता है हमारा, फिर हम विचार में कोई तुलना कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई शब्द तो देंगे, है ना। तो आदमी कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, इतना तो ठीक है। तो दुखी होता है तो क्या स्थिति बनती है, सुखी होता है तो क्या स्थिति बनती है, उसको हम देख ले। डिप्रेशन में चल गया, सुसाइडल थॉट्स आने लगे आदमी को, अब क्या कहेंगे उसको, परिणाम तो देंगे ना। आप एक तरह का नाम दे दीजिए, कोई दूसरा तरह का नाम दे देगा। ठीक है, तो ठीक है भैया, अभी और अध्ययन करते हैं और अनुभव लेते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। जी नहीं ठीक वही, देखिए एक्सप्लोर करने में भी मुख्य मुद्दा ये है कि हम अपनी स्थिति को देखें, ठीक है ना, और जांचें। तो क्या होता है कि कई बार हम कुछ शब्दों में ही एक के अनेक अनेक के अनेक अनेक शब्द ले आते हैं, उससे जांचना रुक जाता है, फिर हमारा ध्यान बाहर से मिली हुई सूचना पे है, अपने ऊपर नहीं है। इसलिए सेल्फ को भी हटाकर मैं कह रहे हैं कई बार, है ना। नहीं तो ऐसा लगता है कि सेल्फ भी कोई थर्ड एंटिटी है, मैं हूँ, बॉडी है और सेल्फ है, तो ऐसा तो है नहीं, मैं ही सेल्फ हूँ। ठीक बात, ठीक है भाई, बढ़िया भैया, ठीक है भाई, धन्यवाद। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया ये डिप्रेशन का बात चल रहा है, तो डिप्रेशन सेल्फ का प्रॉब्लम है भैया? आप बताइए, सेल्फ मतलब आप, कौन डिप्रेस होता है, आप या शरीर? मैं। तो बस बढ़िया है, तो और भैया डिप्रेशन में अगर सिर्फ डिप डिप जी हाँ भैया, कट मैं कट हो रहा है भैया, वॉइस कट हो रहा कह रहा हूँ, डिप्रेशन की सिर्फ तो सेल्फ में ही बनेगी ना है। हाँ भैया, जी। तो डिप्रेशन कम करने के लिए भैया ओनली काउंसलिंग की जरूरत है कि मेडिसिन की भी जरूरत है? मेडिसिन तो वर्क बॉडी के ऊपर होता है, मुझे मानना है। मॉर्निंग सेशन किया करें तो डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो समझना होगा, बाकी सब टेम्पररी है। तो शरीर के स्तर पर हम दवाई खा ली, पर उससे क्या होता है कि जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है उसको हम कम कर लेते हैं, ठीक जरूर है ना। तो होता यह है कि मुझ में समाधान की स्थिति नहीं है, उसका शरीर प्रभाव पड़ता है, उस शरीर के प्रभाव से मेरी स्थिति और बिगड़ जाती है, ठीक। फिर मेरी स्थिति बिगड़ी तो शरीर पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उस प्रतिकूल प्रभाव से मेरी स्थिति और बिगड़ जाती है, तो एक वो विशेष साइकिल में चले जाते हैं। तो दवाओं से ये होता है कि एक तो शरीर की जो स्थिति है उसको स्थिर कर देता है वो, और दूसरा मेरे और शरीर को जो आदान प्रदान जो हो रहा है ना उसको शिथिल कर देता है। तो ये जो साइकिल में फंस गए थे, विशेष साइकिल में, उसका प्रभाव कम हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल भय है, कि पता नहीं क्या होगा, अब वो भय कारण पसीना निकलने लगा, हार्ट बीट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक। अभी जो ब्लड प्रेशर हार्ट बीट बढ़ा, उसका शरीर पे और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो मेरा भय और बढ़ गया। अभी तो बाहर की घटना का भय था, अब ये भय हो गया कहीं शरीर ना चला जाए। अब ये जब भय मेरे अंदर बढ़ा तो शरीर पे और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, अब उसका भय फिर और बढ़ गया। तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो मेरे अंदर जो भय है, शंका है, परेशानी और बढ़ती जा रही है। तो आप उसमें देखिए, तो जैसे अभी हम ऐसी स्थिति में कई प्रकार से उपाय निकालते हैं, स्केप करते हैं उससे। जैसे हम अगर लेट जाएं, सो जाएं, तो थोड़ी देर के लिए विस्मृति हो गई उसकी, तो हाँ भैया, फिर उसका प्रभाव कम हो गया। कुछ खा लें, पी लें, तो भी प्रभाव कम हो सकता है। कुछ देख लें, सुन लें, म्यूजिक सुनने लगे, तो भी प्रभाव कम हो सकता है। ओहो, कुछ खा पी लें, भी प्रभाव कम हो सकता है। वैसे कोई दवाएं ले लेते हैं तो और इंटेंसिव प्रभाव पड़ता है उसका, उसी दे जाकर हो सकता है ब्रेन पे या हार्ट पे काम करना शुरू कर दे, तो प्रभाव और कम हो साइड सकता है। इफेक्ट। ये भी दिखता है कि मुझ में जो भाव विचार होता है उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता है, तो ब्रेन में
कई सारे सिक्रेशंस होते हैं, डोपामाइन है ना, हाँ एंडोर्फिन, और ये सब डोज कहते हैं ना, ऑक्सीटोसिन यस एंड हाँ हाँ भैया हाँ है भैया ना। अब इस सिक्रेशंस को अगर आप प्रभावित करेंगे दवाओं के माध्यम से, तो मेरे और शरीर में जो आदान प्रदान होता है वो प्रभावित होता है। तो अगर मैं प्रसन्न रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, तो एक प्रकार सिक्रेशन ब्रेन में होते रहते हैं। बट मैं दुखी हूं तो ब्रेन में सिक्रेशन बदल जाता है। तो दवाएं क्या करती हैं, उल्टा काम करती है, सिक्रेशन को बढ़ा देती हैं। जो प्रसन्न होने पर सिक्रेशन होता है उसको बढ़ा देती हैं। तो जब ये सिक्रेशन बढ़ता है तो मेरे अंदर भी स्थिति बदल जाती है, ऐसे चलता है। सही है भाई सही है सही है। तो जैसे एक मौर भी तरह खेतनी परिहार है भैया। ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ जाए, तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ेगा तो आप में भी स्थिति बदल जाती है। क्योंकि हम भी हम शरीर को मान के ही जीते हैं, शरीर के प्रभाव में ही जीते हैं कि नहीं। हाँ भाई थैंक बढ़िया भैया यू भाई थैंक यू थैंक यू। जी। कुछ और हैंड्स रेड हैं, परंतु कंटेंट को थोड़ा आगे ले चलते हैं, फिर चर्चा करते हैं। तो ये गृह कार्यक्रम लिया ही था, उसको चर्चा भी की थी कि शरीर को किसी एक स्थिति में रखना है, फिर देखना है कि संकेत देने का और संवेदना को पढ़ने का निर्णय कौन लेता है। शरीर की स्थिति बदली तो कैसे बदली, मैं के निर्णय से या बिना किसी निर्णय के। शरीर के साथ हर आदान प्रदान में देखें कि निर्णय कौन लेता है, मैं या शरीर। नियमित कार्य करते समय, अचानक किसी घटना पर प्रतिक्रिया देते समय, गहरी सोच में बने रहते हुए, और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। और दैनिक देखें कि दिन भर में कितनी देर शरीर से सूचना का आदान प्रदान कर रहा हूँ, कितनी देर में स्वयं में क्रियाशील हूँ। इसको गृह कार्य को है ना हम करते रहें। इसी क्रम में देखें तो हम टुकड़ों टुकड़ों में हर दिन असाइनमेंट ले रहे हैं, तो हर स्टेप के बाद एक मेगा असाइनमेंट है, और उस मेगा असाइनमेंट को हम लोग कई सारे मिनी असाइनमेंट से बदल कर हर दिन कर रहे हैं जी। दीदी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस चीज को देखा कि मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, मेरे और शरीर के बीच आदान प्रदान हो रहा है और वह आदान प्रदान में निर्णय मेरा है। अभी देख रहे हैं संवेदना को और बारीकी से, इसमें थोड़ा सा शिफ्ट है और ये काफी महत्वपूर्ण है ये स्टेप। क्योंकि ये जो संवेदनाओं से मैं प्रभावित होता हूँ वो कहीं ना कहीं स्टेप फोर पे चूक होती है, तभी होता हूँ। तो जब मैं शरीर में होने वाली संवेदना को पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने आप में देख सकता हूँ, क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मैं संवेदना से अलग हूँ। ये बहुत ही क्रूशियल है। बताएंगे कभी हम संवेदनाओं से प्रभावित होते रहते हैं, कितनी प्रकार की संवेदनाएं किस प्रकार हमें मिलती हैं उसको हम आगे स्टडी करेंगे। परंतु तो हम संवेदनाओं से प्रभावित होते रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि संवेदना से मैं अपने अलगाव को नहीं देख पाता। संवेदना उत्पन्न हुई और मैं प्रभावित हुआ, संवेदना अनुकूल हुई उसके प्रति मैं ललायित हो गया, संवेदना प्रतिकूल हुई उससे मेरे अंदर एक प्रतिक्रिया आ गई, मैं उससे दुराव चाह रहा हूँ। तो कहीं चिपकाव हो जाता है, कहीं दुराव हो जाता है। अनुकूल हो गया तो चिपकाव हो गया कि बना रहे बना रहे, प्रतिकूल हो गया दुराव हो गया, चला जाए हट जाए। अब ऐसा कैसे हो रहा है? तो मैं संवेदना से अपने अलगाव को नहीं देख पा रहा हूँ। अगर इसको हम बारीकी से ऑब्जर्व करें, इसको ऑब्जर्व करते करते मुझे अपने और शरीर के अलगाव का भी स्पष्टता बनता जाता है कि संवेदना मुझ में नहीं है, संवेदना मुझसे बाहर है, मैं भी संवेदना का हिस्सा नहीं हूँ, संवेदना मुझसे बाहर है, तो मुझसे अलग है ये संवेदना। बट इसको देखें, इसमें कहने के लिए बात तो बस एक स्लाइड में ही है, परंतु इसमें देखने में बहुत सारा आपको अभ्यास करने की जरूरत हो सकती है। और जितना जितना इस बात को आप देखेंगे उतना उतना संवेदना से जो आपका चिपकाव है ना वो कम होता जाएगा। तो ये जो संवेदना के अनुकूल या प्रतिकूल होने से हम परेशान होने लगते हैं या आवेशित हो जाते हैं, अभी बाहर से आए हैं, घर से है ना दरवाजा खुला है, तेज धूप से आए हैं,
ठीक, और आते ही हम चीखने लगे अगले व्यक्ति पे, भाई एसी चलाओ फटाफट ना, बहुत तेज गर्मी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। एसी चलाए और पता चला कि कूलिंग नहीं हो रही है। भाई कूलिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि गैस खत्म हो गया है, गैस भरवाया नहीं गया इस साल। गैस क्यों नहीं भरवाया गया, है ना? अब व्यवहार बिगड़ गया। कितनी बार कहा गया कि गैस भरवाओ, है ना? 10 जगह पैसे खर्च करेंगे, गैस पे पैसा नहीं, इस पे खर्च करेंगे, एसी ठीक नहीं कराएंगे। अब वो संवेदना इतना ज्यादा प्रभावित कर रही है कि ना हमें अपने भाव का ध्यान है, ना विचार का ध्यान है, ना व्यवहार का ध्यान है, ना कार्य का ध्यान है। उस गर्मी से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया, एसी नहीं चला, उससे आवेशित हो गया, है ना? और बहुत सारे गड़े मुद्दे उठाना शुरू कर दिया हमने, और फिर बीती बातें लेकर आ गए कि पहले भी ऐसे ही हुआ था, है ना? मैंने कहा था ये काम करो, आपने कराया नहीं, और देखो कितनी बिगड़ गई बात, और क्या क्या हो गया, और पूरा पता चला कि वहां पर युद्ध की स्थिति बन गई। शुरुआत कहाँ से हुई थी? संवेदना से प्रभावित हो गए थे। ऐसा अगर आप अपने दिनचर्या में ऑब्जर्व करेंगे तो हर दिन आपको 10 ऐसे मुद्दे दिखाई देंगे, और आपको दिखेगा अगर आप कहीं बाहर, है ना, ऐसा लगे कि हम स्थिति से बाहर हैं, परिस्थिति से बाहर हमें देख रहा हूँ बस हो क्या रहा है, तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पे लोग संवेदनाओं से कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे भाव बिगड़ जाता है, कैसे विचार में इतना सारा विरोध पैदा हो जाता है, कैसे वो व्यवहार में उतर जाता है, और कैसे व्यवहार से संघर्ष की स्थिति बन जाती है। मेयरली मुद्दा क्या है कि संवेदनाओं को सुख माना हुआ है, उसी संवेदनाओं से सुखी होने में लगेगा, और वही अनुकूल मिल रहा है तो फिर उसके लिए पूरी कल्पना दौड़ती है। आपके घर में कूलर है, किसी के यहाँ गए स्प्लिट एसी लगा हुआ है, ठीक, बैठ के बड़ा आराम मिला, इतना अनुकूल मिला कि निकलते निकलते योजना बन गई कि ये कूलर फेंको, ये पुराने जमाने की बात है ना? अब स्प्लिट एसी चाहिए घर में, और स्प्लिट एसी नहीं होगा तो घर में रहना नहीं है, घर वालों के साथ रहना नहीं है। अब हो सकता है पूरे जीने की योजना ही बदलने लगे कि वहीं जाके रहना है जहाँ स्प्लिट एसी हो। अब वो आप उसके भी मूल में देखिए तो ये बीज रूप में क्या है कि वो संवेदना अनुकूल लगी, हमसे प्रभावित हो गए। ऐसा मैंने एक उदाहरण आपको दिया है ना। वैसे अभी बरसात का मौसम आ गया है, चिपचिपाहट है शरीर में, नॉर्थ में अभी इधर देखें तो काफी बारिश हो रही है। अब वो एक सामान्य सी घटना है, बस उस चिपचिपाहट से हम इतने परेशान हो गए ना, मॉइस्चर पूरा चिपक गया शरीर में। अब उस चिपचिपाहट से इतने इरिटेटेड हम हैं कि हर छोटी बड़ी बात पे इरिटेट हो रहे हैं, हर बात पे रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं। अब वो हमारा बेसिकली चिपकाव है उस संवेदना से, ठीक है ना? तो यह जरा सा शरीर से प्रतिकूल संवेदना आया, हम परेशान हो गए, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, पावर चला गया, फैन रुक गया, एसी रुक गया, ठीक। अब पूरे जीने पे एक प्रश्न उठने लगा कि क्यों यहाँ रह रहे हैं जहाँ बिजली पूरे समय रहती नहीं है, ये गांव में क्यों रहना है, ये बस्ती में ही क्यों रहना है, मेट्रो सिटी में चलो वहाँ 24 घंटे लाइट रहती है, ठीक, ऐसी जगह चलो जहाँ पे कभी लाइट ना जाए, विदेशों में देखो ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये देश ही ठीक नहीं है, ये समाज ही ठीक नहीं है, ये परिवार ही ठीक नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है। अभी पूरे विचार क्रम को आप देखें तो ऐसे 20 तरह से विचार चलते हैं। वैसे खाने पीने को लेकर, है ना, वैसे घूमने फिरने को लेकर, अगर आप इसको देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि मैं संवेदना से चिपक गया हूँ, या कोई संवेदना उसको बहुत प्रतिकूल मानता हूँ और इससे बिल्कुल दुराव बना के रखा हुआ है, तो आंखों को बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिले। घर से बाहर जैसे ही झांकें तो नदी झरने हो, कोस्टल एरिया हो, है ना, खूब ऐसा ऐसा दृश्य हो, और अभी बाहर झांकते हैं तो नाली बारिश के कारण उफन कर सड़क पे आ गई है, पानी उसका सड़क पे आ गया है, गंदगी है, ठीक है ना, जगह कम है, लोग भरे हुए हैं, लोगों के घरों के जो दीवारें हैं वो बहुत समय से पेंट नहीं हुआ, देखने में ही बुरा लग रहा है, तो निर्णय हो जाता है कि भाई यहाँ नहीं रहना, भले ही पूरा कुनबा यहाँ है, परिवार यहाँ है, सबको मेरी जरूरत है, मुझे सबका केयर करना है, लोग मेरा भी केयर कर रहे हैं, बट वो दृश्य इतना प्रतिकूल है कि निर्णय हो गया कि यहाँ नहीं रहना है। तो स्टेप 4 पे ठीक से काम करें, बारीकी से काम करें, तो इससे बहुत सारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेंगे, और स्टेप 5 और 6 को आप ठीक से कर भी पाएंगे। तो ये देखना शुरू करें कि क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मैं संवेदना से अलग हूँ।
अभी जो निष्कर्ष निकलेगा है ना उस पर अभी नहीं जाते हैं, उसको कल हम लोग बात करेंगे, बट इसको दिन भर गंभीरता से देखें कि कैसे मैं संवेदना से चिपक जाता हूँ, कैसे मैं अपने और संवेदना के बीच अलगाव को नहीं देख पाता हूँ कि नहीं। बढ़िया, इसको ऑब्जर्व करेंगे आज हम लोग, बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, डिस्कशन पे कल बात करेंगे, बट इसको आप बिल्कुल ओपनली ऑब्जर्व करिए और जो भी देखने में आता है उसको नोट कर लीजिए। नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार नमस्ते, भैया। नमस्ते। हाँ हमने स्थिर बैठ के अपने शरीर की संवेदनाओं को देखना चालू किया, तो प्रारंभ में शरीर के करीब कई पार्ट से इचिंग हो रही थी, ये संवेदना आ रही थी, और मैं उनको गहनता से देखता चला गया। फिर जैसे जैसे समय बीता तो वो संवेदना कम होने लगी, इचिंग वगैरह कम होने लगी, लेकिन ये सब बाहरी पटल पर हो रहे थे, स्किन पर हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पैर में, जब एक ही लगातार सेम मुद्रा में बैठा रहा, तो हमारे पैर में अंदर जो जो हड्डी जिसको कहते हैं, वहाँ संवेदना दर्द जैसा, खिंचाव जैसा फील होने लगा, और मैं उसको ऑब्जर्व करता रहा और दूसरी संवेदना गौड़ हो गई। साथ साथ में मैंने ये भी थोड़े समय के लिए महसूस किया जैसे शरीर की स्थूलता है वो कम हो रही है, बट वो पैर में जो खिंचाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। फिर मैंने ये देखने को बहुत प्रयास किया कि वो खिंचाव कौन पड़ रहा है, कहाँ है। तो मैंने देखा कि मैं वहीं पे हूँ जहाँ वो दर्द है, जहाँ वो खिंचाव है, मैं वहीं पे हूँ या फिर मैं ही वही हूँ, मैं ये अंतर नहीं कर पा रहा था। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसमें अगर आपका कोई मार्गदर्शन हो तो बताएं। मैंने काफी देर तक ये किया और मैं यही प्रयास करता रहा, मैं करीब करीब 15-20 मिनट, 15-20 मिनट बैठा रहा हूँ सेम मुद्रा में, दर्द इंटेंस होता गया, लेकिन मैं ये बहुत प्रयास करता रहा कि मैं देखूं कौन देख रहा है, दर्द किसको हो रहा है, मैं उससे अलग हूं कि नहीं हूं, पर मैं ये सब देख पाने में असफल रहा भैया। जी, इसका इतना ही मतलब है कि और थोड़ा देखें, ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर एक आशा बनी हुई है कि अभी 20 मिनट बैठ गया बहुत है, इतने में दिख ही जाना चाहिए। तो क्या हुआ, फिर हम उस प्रोसेस में नहीं आ पाए देखने के, हम सिर्फ दृष्टा के रूप में नहीं देख रहे, फिर हम उस आशा से प्रभावित हैं क्या, बैठ गए हैं है ना, इतना बहुत है भाई, 24 घंटे में 20 मिनट लगा दिया, कोई थोड़ी बात थोड़ी है ना, इतने में दिख जाना चाहिए। अब ये हम आशा से प्रभावित हैं, इतना तो आउटकम आना ही चाहिए, तो हो सकता है हमारा ऑब्जर्वेशन रुक गया। जब हम प्योरली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम पूरे प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन के, फिर जितना दिख रहा है उसको देख पा रहे हैं, जितना नहीं दिख रहा उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें फिर कोई व्याकुलता हड़बड़ाहट नहीं है। और अभी तो पूरा बैगेज है हमारे ऊपर मान्यताओं का, ढेर सारा हम ढो के चल रहे हैं, हो सकता है उस समय आपके अंदर 100 तरह के विचार चले, तो 20 मिनट में हमने 20 सेकेंड ही ठीक से ऑब्जर्व किया, बाकी समय तो बहुत सारे विचारों में चला गया, या फोर्सफुली ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वो जो ऑब्जर्वेशन है कहीं ना कहीं कंडीशन था हमारा। ओके, लेकिन मुझे ये एक चीज अच्छा फील हुआ कुछ समय के लिए, भले वो छड़क हो कि उस समय इस जो शरीर की जो स्थूलता है वो कम हो रही है, और जब वो स्थूलता कम हो रही तो मुझे ऐसा लग रहा था कुछ हल्कापन आ रहा है, मतलब कुछ। बिल्कुल, इसको कंटिन्यू करें, इसे कंटिन्यू करें ना, इसको बनाए रखें अभ्यास को, ये बहुत हड़बड़ी ना करें कि ऐसा परिणाम आ ही जाए। देखिए, अगर हम कोई दिखाई दे कि देखने में ही सुख है तो फिर हम देखने में परेशान नहीं होते। अभी क्या होता है, हमको लगता है कि देखना तो परेशानी का कारण है, दिख जाए यही सुख है, तो फल परिणाम जो आएगा उसमें सुख है, देखने का प्रोसेस तो भाई बहुत कष्टदायक है। अभी उल्टी बात हो गई, तो हमको दिखाई दे कि देखना ही सुख है, दृष्टा भाव में स्थापित होना ही सुख है, क्योंकि इसी का एक नेचुरल आउटकम है कि हमको अस्तित्व तो दिखता है, जैसा है वैसा दिखता है। तभी हम जो समझने का काम कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं ना, इसमें हम परेशान लगते हैं,
और इस परेशानी से फिर जो देखने का काम है वो बाधित होता है, तो दिखता भी नहीं तो और परेशान होते हैं। अदरवाइज हमको दिखाई दे कि सही समझ सही भाव से ही सुख है, और सही समझ सही भाव का मतलब सिद्ध को जैसा वैसा देखना, तो देखना ही सुख है। उसका एक नेचुरल आउटकम है कि हमारे अंदर हार्मनी होती है, रिलेशंस में हार्मनी होती है। मुख्य मुद्दा तो प्योर ऑब्जर्वेशन का है। तो अब हमको इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ानी है, और थोड़ा सा टाइमिंग भी धीरे धीरे करके बढ़ाना है ना, ऑब्जर्व करना सुखपूर्वक ऐसा नहीं कि कोई बर्डन है। हमारे पर तो ये कोई लायबिलिटी नहीं है हमारी, है ना। इसको तो हम सुखपूर्वक करेंगे और थोड़ा थोड़ा क्यों बढ़ाएंगे, हम 24 घंटे करेंगे। अगर हमको दिखे कि देखने में ही सुख है तो अन्यथा क्यों विचार करेंगे, 24 घंटे देखेंगे। अभी हमको लगता है कि भाई सुख तो बाहर है, चलो थोड़ा भीतर भी देख लिया जाए, हो सकता है यहीं से कुछ निकले। तो अभी हम बहुत है ना कष्ट सह कर लगता अंदर जा रहे हैं देखने के लिए, तो ऐसा नहीं है। हमको दिखाई दे कि यही सुख है मेनी वे, मतलब सो आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते चले, आपको दिखाई देने लगेगा कि हाँ यहाँ से समाधान दिखाई दे रहा है। बढ़िया भैया, प्रीति जी का हैंड रेज है ओके, परंतु थैंक यू समय भैया। कम है जी। प्रीति जी के प्रश्न से कल हम लोग शुरू कर सकते हैं, आज कंक्लूड कर लेते हैं।